Hey everyone, welcome to Shoms IAS. My name is Shivangi Sharma, and here we are with our class 12th first chapter of history. So we are done with class 6, 7th, 8th, 9th, 10th, and 11th, and now it is our last class. Then our history syllabus will be completed. So, yes, okay. So, the very first chapter of our class, the 11th, sorry, class 12th history is bricks, beads, and bones. The Harappan civilization. So, take the chapter is gonna be very interesting. Or in class 12, especially in class 12, we're gonna study about our Indian history. Okay, so 12th class is gonna be like the most familiar one for us because we're gonna study India ki history ke baare mein padhne wale. So, India ki history kahin na kahin shuru hoti hai Harappan civilization se. The Indus Valley civilization thi usse. ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज देखो क्लास 11th में हमने पढ़ा कि मेसोपोटामिया के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि मेसोपोटामिया जो है वो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है. बट नहीं, जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है डैट वॉज द हरप्पन सिविलाइजेशन. हरप्पन सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा पुरानी है कि हम उसकी लिपि, हम उसके वर्ड्स को अभी तक नहीं पढ़ पाए. ठीक है, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी उसमें ना हम उनको पढ़ सकते थे, उसमें क्या लिखा है हमने ना उसको, मतलब हम बोल सकते हैं कि We were able to understand कि उस पर क्या चीज़ लिखी है. ठीक है, हम उसकी लिपि को समझ चुके थे. बट हरप्पन सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं है, हमें नहीं पता है हरप्पन सिविलाइजेशन में क्या लिखा है. सो हरप्पन सिविलाइजेशन या इंडस रिवर सिविलाइजेशन सबसे बहुत ही, अब बोल सकते हो कि कहीं एक वो होती है ना, एक बहुत सस्पेंस है, बहुत सारी सीक्रेट्स है इसमें जो हम लोगों को नहीं पता है. ठीक है, सो ठीक है, वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं. सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर. ठीक है, चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन. सो ब्रिक्स क्या होती है? ब्रिक्स होती है ईंटें, राइट, जो हम घर पे ईंटें बनाने के लिए, मतलब घर बनाने के लिए जो ईंटें यूज़ करते हैं. बीड्स, बीड्स होते हैं मणके, या फिर हाँ जो भी मणके हम यूज़ करते हैं किसी भी चेन या किसी भी चीज़ में, राइट. और बोन्स, बोन्स मतलब हड्डियाँ. द हरप्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, तो हमारा चैप्टर शुरू ही होता है हरप्पन सील से. सो हरप्पन सील जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है हरप्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन. देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हरप्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है, बिकॉज देखो जो हरप्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पे देखो. सो हाँ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब देखो सो यहाँ पे ये इतने सारे हमारे पास वो है, देखो हड़प्पा, मोहनजोदारो, फिर बनावली, कालीबंगन. ठीक है, सो फिर नागेश्वर हो गई, धोलावीरा हो गया. ठीक है, ये सारी इंदस रिवर से कनेक्टेड है, राइट, डायरेक्टली. देखो सो इंदस रिवर के अंडर ये सारी जो है वो सिविलाइजेशन आया करती थी. और सबसे पहले जो सिविलाइजेशन फाउंड आउट की थी, जो सबसे बड़ी सिविलाइजेशन हम बोल सकते हैं, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, डेट वॉज हरप्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, सो इंदस वैली को हरप्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है. सो यहाँ पे जब हरप्पन सिविलाइजेशन का नाम लिया जाएगा उसका मतलब होगा पूरी इंदस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, सो कन्फ्यूज नहीं होना. सो यहाँ पे ये जो सील है, ये सील एक स्टोन से बनी हुई है जिसका नाम होता है स्टियाटाइट. ठीक है, सो ये सील्स में ना बेसिकली कोई एनिमल मोटिव्स होता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको कोई एनिमल बना हुआ होता है और कुछ साइंस ऐसे लिखे हुए हैं जो उसके उस टाइम की स्क्रिप्ट होती होगी. ठीक है, बट ये हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, ना हमें पता है कि ये चीज़ें क्या हैं बेसिकली. ठीक है, सो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढी है, बट काफ़ी सारी मतलब कुछ ऐसे एस्पेक्ट है जिसे हमें सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पता है, बट अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है. ठीक है, सो चलो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. हियर इज आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बिगिनिंग, शुरुआत कैसे हुई. देखो मैं आपको एक बता देती हूँ, जो जैसे हम इंडिया का अगर अभी हम वो डिफाइन करें कि इंडिया की हिस्ट्री क्या थी, सो हम ऐसा बोलते हैं. ठीक है, तीन पार्ट था. जब आप बोलते हो कि ये उस समय की बात है जब ब्रिटिशर्स का राज नहीं होता था, जब इंडिया बहुत ज़्यादा अमीर थी, एक वो वाला पार्ट था, एक वो वाला टाइम था जब ब्रिटिशर्स का राज था, और एक अभी का टाइम है जब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है. ठीक है, सो हमने ऐसे तीन पार्ट में इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड कर लिया, राइट. सो वैसे ही जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उसका टाइम को भी ऐसे डिवाइड करा हुआ है तीन टाइम में. ठीक है, एक है जो अर्ली वाला अर्ली कल्चर था हरप्पन, दूसरा था मैच्योर, और फिर था
जो लेटर वाला था, ठीक है, सॉन्ग वो भी पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। सो यहाँ पे ना शुरू करने से पहले मैं आपको एक वो बता देती हूँ। देखो आर्कियोलॉजिकल कल्चर जो है ना, वो जो हमें आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स मिले हैं वो मैच्योर हरप्पन के, मतलब बीच वाला टाइम, अर्ली मैच्योर और उसके बाद वाला, ठीक है, लेटर वाला। सो इधर जो वर्ड कल्चर यूज़ किया जा रहा है ना, कल्चर, इस कल्चर का मतलब है जो भी चीज़ें हमें मिली है, जो भी हमें पॉटरी मिली, ठीक है, हमें क्राफ्ट्स मिला, ये सारी वो चीज़ें ना जो हमने रिसर्च करी है वो सारा हमें मिला, ठीक है। सो यहाँ पे कल्चर का मतलब हम इन चीज़ों से करने वाले हैं जो हमें मिली, ठीक है। सो कन्फ्यूज़ नहीं होना है कल्चर का क्या मतलब है, ठीक है। देखो हमें काफ़ी सारी मतलब काफ़ी सारे एविडेंस मिले एग्रीकल्चर के, पैस्टोरलिज्म के, कुछ क्राफ्ट भी मिले, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो सेटलमेंट है वो जनरली छोटी हुआ करती थी, इतनी कुछ मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पे नहीं हुआ करती थी। मतलब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि ये जो सिविलाइजेशन है ना, हरप्पन सिविलाइजेशन, जब हम ये पढ़ेंगे ना, ये इतनी ऐसा लगेगा आपको कि हम अभी के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब इतने एडवांस्ड वहाँ के घर हुआ करते थे, इतने एडवांस वो चीज़ें यूज़ किया करते थे, कि ये बात सोचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, सबसे ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन है, ठीक है। मेसोपोटामियन रिवर जो सिविलाइजेशन है उससे भी ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन है। बट प्रॉब्लम ये है कि 1920s तक, 1920s कोई इतनी कुछ खास पुरानी डेट नहीं है, ठीक है, लगभग 100 साल पुरानी बात है ये, ठीक है। उस टाइम तक, लगभग ऐसे 100 साल पहले तक हमें ये चीज़ पता ही नहीं थी कि हड़प्पा है, हड़प्पा एग्जिस्ट भी करता है, कि जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है वो इंडिया में है। ये सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं थी कि इंडियन सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। मतलब 1920 तक ये चीज़ों का कुछ अता पता ही नहीं था, हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं था, ठीक है। बाद में जब पता चला चीज़ों का, तब हमें, अभी भी हमें ना हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में लाइक हमें 50% भी नहीं पता है। बिकॉज देखो ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी, काफ़ी चीज़ें थी जो समय के साथ बर्बाद हो गई, काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी बाहर आ रही हैं, ठीक है, जो बाहर आई और हमें जो अभी चीज़ें पता चला, राइट। मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको ना लगेगा नहीं कि हाँ ये इतना पुराना टाइम है, आपको ऐसा लगेगा कि अभी अभी का टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं, बट ये सबसे ओल्डेस्ट जो है वो सिविलाइजेशन है, ठीक है। सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज पढ़ते हैं। तो ना हमने ये देखा कि जो हरप्पन है ना, हरप्पा है, वहाँ पे बहुत वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग फिश, बिकॉज रिवर है, इंडस रिवर सिविलाइजेशन है, रिवर के बगल में है, सो फिश भी है वहाँ पर, काफ़ी मतलब वाइड रेंज ऑफ प्लांट है, एनिमल्स भी है, ठीक है। हमें ये चीज़ इसे ऐसे पता चली कि वहाँ पे मतलब प्लांट्स हुआ करते थे, बिकॉज हमें ना कुछ प्लांट रिमेन्स मिले, चेरिड ग्रेन बना मिला और उनके सीड्स मिले, कितने छोटे छोटे होते हैं, जले हुए चावल के दाने, कुछ सीड्स, वो जो चीज़ें अभी तक चल करके आई कुछ एक दो, उससे हमें पता चला कि हाँ वहाँ पे एग्रीकल्चर भी हुआ था। कुछ ऐसे हमें वो मिले जैसे वीट, बार्ली, लेंटिल, चिक पीस, सीसमी सीजम सॉरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें मिले। कुछ ऐसे और गुजरात साइड में हमें मिले मिलेट्स। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ वहाँ पे जो है मतलब ऐसे मतलब ये हुआ करता था, ठीक है, एग्रीकल्चर हुआ करता था। हमें काफ़ी ऐसे जानवरों की हड्डियाँ मिली है जिसमें आते हैं कुछ केटल्स, क्या स्पेलिंग लिख रही हूँ मेरी सॉरी, केटल्स, शीप्स, गोट, बफेलो, पिग, ये सारे जो जानवर हमें मिले, उनके जानवर नहीं मिले, मतलब हड्डियाँ मिली, ठीक है। जो आर्कियोजोलॉजिस्ट थे, यानी कि और या जू आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, मतलब वो लोग जो कि पुरानी स्टडी चीज़ें स्टडी करते हैं जानवर के पास पैकेट में, जिनको जानवरों की मतलब वो होती है, ठीक है। मतलब जो हमें ऐसे बोल सकते हैं ना डोमेस्टिक एनिमल मिले, वो मिले हमें कैट, शीप, गोट, बेफेलो, पिग, जो ये कंज्यूम भी करते थे साथ में, ठीक है। और अगर हम इनके देखिए वाइल्ड एनिमल के, तो बोर, डियर, घरियल, इन सारी चीज़ों के हमें बॉन्ड मिले हैं, ठीक है। हमें ये भी पता चलता है कि हरप्पन जो है ना, मतलब जो हरप्पन है वो, इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ वो हंटिंग तो करते थे, बट हमें ये नहीं पता है कि ये हंटिंग खुद किया करते थे या कोई स्पेशल कम्युनिटी थी या फिर किस बेसिस पे हंटिंग किया करते थे, ये सब कुछ हमें नहीं पता है, ठीक है। बस वहाँ पे
फिश और फाउल की भी जो है वो वहाँ पे बोन्स हमें देखने को मिले. ठीक है, सो हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज. सो अभी तक ये तो श्योर हो गया कि हाँ एग्रीकल्चर तो होता है, बट एग्रीकल्चर कैसे होता है ये ना सोचने में उस टाइम पे काफ़ी आपको ऐसा लगेगा कि यार कैसे उस टाइम पे लोग एग्रीकल्चर क्या करते होंगे कैसे, बट आप जो चीज़ें पढ़ोगे ना आप बोलोगे क्या ये उस टाइम की बात है, उस टाइम की बात, ये तो अभी भी होता है, मतलब उस टाइम की बात. समझ रहे आप कितनी पुरानी बात है ये. ठीक है, सो देखो जो सील्स थे ना और जो भी टेराकोटा स्कल्पचर्स थे वो हमें मिले, जहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि बुल मतलब जो बैल है वो काफ़ी मतलब एक बोल सकते हैं ना इंट्रोड्यूस्ड जानवर था. जैसे यहाँ पे हमारे पास एक टेराकोटा बुल है. ठीक है, सो अब हमें काफ़ी ऐसे और मॉडल्स भी मिले जहाँ पे प्लो यानी कि हल के जैसे हमें चीज़ें मिली, जैसे हल में जो बैल ऐसे फंसाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चली. तो हमें लगा अरे यार ये तो ऑक्सीजन से खेत जोता करते थे यार, ये तो अभी कुछ टाइम तक पहले तक चलता था हमारे यहाँ भी. अभी तो हमारे यहाँ ये ट्रैक्टर वगैरह आए उससे पहले तो यही सिस्टम चलता था, राइट. सो चोलिस्तान और बनावली जो हरियाणा में है उधर पर, उसके साथ साथ हमें ना राजस्थान के कारीबंगन में एक एक जुदा हुआ खेत मिला, एक ऐसा खेत जिसमें मतलब वो जुदा हुआ था. ठीक है, राजस्थान में हमें एक ऐसा खेत भी मिला. ठीक है, और आपको पता है वहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो इतना एडवांस्ड था कि जैसे आज हम बोलते हैं ना कि हमें मल्टी क्रॉपिंग करनी चाहिए, एक लैंड में कम से कम ज़्यादा क्रॉप करनी चाहिए, बट उस टाइम पे वो लोग एक ही लैंड में जो है वो दो क्रॉप उगा दिया करते थे, जो कि एक 90 डिग्री के एंगल में वो फील्ड इस तरह से बनाती थी कि वो एक 90 डिग्री का एंगल बनता था. ठीक है, राइट एंगल बनता था एक, और वहाँ पर जो है वो दो डिफरेंट क्रॉप जो है वो उगा लिया करते थे. तो सोचो सोचो ज़रा. सो एग्रीकल्चर अभी भी मतलब एग्रीकल्चर जो आर्कियोलॉजिस्ट है सॉरी, उन्होंने ये चीज़ ढूंढने की कोशिश करी कि उस टाइम पे हार्वेस्टिंग के लिए टूल्स क्या यूज़ किए जाते होंगे हार्वेस्टिंग के लिए. सो काफ़ी ऐसे स्टोन की ब्लेड्स और वुडन हैंडल्स मिले थे हम लोगों को. सो क्या वो उनका यूज़ करते होंगे या कोई डिफरेंट मेटल टूल्स होते होंगे जिनका वो स्पेशल हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया करते होंगे. सो ये लोगों ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो इनके बारे में सोच रहे थे. ठीक है, ज़्यादातर जो हरप्पन साइट्स थे वो ना सेमी एरिड लैंड में थे. ठीक है, सो वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन क्या होता था, मतलब वो रिवर से काफ़ी दूर थे, सूखी जगह पे थे. सो वहाँ पे हमें कैनाल्स के ट्रेसेस मिले. क्या कैनाल्स के ट्रेसेस, जस्ट इमेजिन. हम ये सोचते कि कैनाल्स हमारे यहाँ पे अंग्रेज लेकर आए, बट नहीं, उस टाइम से कैनाल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हो गए थे. बट बिकॉज हमें हड़प्पा के बारे में पता नहीं था इसलिए इतनी सारी टेक्नोलॉजी छुपी रह गई. जस्ट सोचो उस टाइम पे कनाल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए थे, बट हम लोगों को ये लगता है कि अंग्रेज लेकर आए. सो कितने कितने सिविलाइज्ड थे वो लोग, डेट बाय डेट इज अ सिविलाइजेशन. ठीक है, हरप्पन सिविलाइजेशन इतने अच्छे तरीके से जो वो लोग सिविलाइज्ड थे. ठीक है, सो ऑफकोर्स वहाँ पे कनाल्स हमें देखने को मिले, जैसे छोटू गई जो कि अफगानिस्तान में एक जगह है, छोटू गई वहाँ पे हमें ये जो है देखने को मिले. ठीक है, उसके बाद पर पंजाब और सिंध में हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिली, बट शायद हो सकता है कि मतलब वो टूट गई हो. बहुत पुरानी बात है ना ये, बहुत ही ज़्यादा पुरानी बात है एक्चुअली, बहुत ही ज़्यादा पुरानी बात. सो इसीलिए बट हमने ये भी देखा कि ना वेल्स का बहुत यूज़ किया जाता है मतलब इरिगेशन के लिए. सो वेल्स भी उस टाइम पे इंट्रोड्यूस थे. ठीक है, वाटर रिजर्वियर, क्या वाटर रिजर्वियर भी थे गुजरात जैसी जगह पे जहाँ पे पानी नहीं हुआ करता था, वहाँ पे इन्होंने रिजर्वियर्स बनाए थे एक जहाँ पे ये पानी स्टोर करके रख सकते थे एग्रीकल्चर के लिए. ठीक है, सो यहाँ पे देखो एक हमारे पास फोटो है वाटर रिजर्वियर की, कैसे यहाँ पे जो है पानी रिजर्व करके रखते थे. और आप बोलोगे ये क्या है, कुछ कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ये कुछ समझ आ रहा है आपको क्या है ये चीज़ है सिलबट्टा. जब हम अपने घर पे चटनी कूटने के लिए सिलबट्टा यूज़ करते हैं ये वही सिलबट्टा है. सो वहाँ पर जो घर थे हरप्पन सिविलाइजेशन में वहाँ पर हमें ऐसे सिलबट्टे देखने को मिले, और हमें दूसरे तरीके का भी सिलबट्टा देखने को मिला था जिससे हम चाय बनाते टाइप ऑफ अदरक कूटते हो ना, एक तो ये तो टू और फ्रो मोशन वाला होता है राइट, जिसपे आप ऐसे ऐसे घिसते हो, एक होता है जिसपे आप ऐसे मतलब कूटते हो. ठीक है,
जैसे ये होता है डंडा कुंडी जिसको हम बोलते हैं, ये और जिसके साथ ऐसे कुंडी आता है जिसके आप अंदर अंदर ऐसे मतलब अंदर वाला मटेरियल को कूटते हो, राइट, समझ गए होंगे आप लोग। सो ये दोनों तरीके की जो है सिलबट्टे और डंडा कुंडी हमें देखने को मिले। सो जो मतलब अब हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो हमें नॉर्मल लाइफ में हम यूज़ करते हैं। सो ये चीज़ें भी जो उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हो गई थी, मतलब लोग उस टाइम पे चीज़ों को कूटने के लिए भी यूज़ किया करते थे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक ये और एक ये वाला भी हुआ करता था, ठीक है, और ये है रिजर्वियर जिसमें पानी तो मतलब स्टोर करके रखा जाता था। अब आता है हमारा तीसरा टॉपिक, मोहनजोदारो, द प्लेन्ड अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर, अर्बन सेंटर क्या होता है? अर्बन सेंटर इज सिटी। सब बोल रहे हो क्या सिटी? सो चलो चैप्टर पढ़ो, आपकी जो सस्पेंस है वो, क्यूरियोसिटी है, वो अपने आप ख़त्म होता जाएगा टाइम टू टाइम। देखो, हरप्पन सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो जो है ना, वो एक मतलब एक अर्बन सेंटर देखा जाता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर यूनिक फीचर्स, ठीक है। हरप्पन सिविलाइजेशन में वैसे मैक्सिमम जगहों पे जो है बहुत ही ऐसा अर्बन सेंटर्स हमें देखने को मिलता है, बट ऐसा एक जो बहुत फेमस सेंटर है मोहनजोदारो, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो मोहनजोदारो ऑफ कोर्स काफ़ी वेल नोन साइट है हरप्पा की, जब से जो है हरप्पा डिस्कवर हुआ है। सो देखो, इस सेटलमेंट को ना दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ये ना हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, सो थोड़े से आप फेमिलियर हो इन चीज़ों से। दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, एक होता है सिटाडेल और एक होता है लोअर टाउन। याद आ गया होगा आप लोगों को, सिटाडेल है लोअर टाउन, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास मैप है कि कैसे एक सिटाडेल होता है, कैसे एक लोअर टाउन होता है। सो हाँ, यहाँ पे सो अगर हम ऐसे देखें लैंडमार्क में, तो सिटाडेल जो होता है वो छोटा होता है, जो लोअर टाउन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। बट होता क्या है कि जो सिटाडेल है ना, वो थोड़ा हाइट पे होता है, मतलब ऊंचाई में होता है, लोअर टाउन नीचे में होता है। सो ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, ये तो हम लोगों को पता है, ठीक है। सो अच्छे से ये देख लेते हैं क्या है। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ऐसे डिवाइड करा कि ऊपर वाला पार्ट सिटाडेल और नीचे वाला पार्ट जो है वो लोअर टाउन है, ठीक है। सो जो सिटाडेल है वो हाइट पे है, और वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी है, मतलब छोट, और लोअर टाउन में जो है छोटी जैसे नॉर्मल घर होते हैं, और बड़ी बिल्डिंग कहाँ पर है? सिटाडेल में, ठीक है। सो जो सिटाडेल है उसका भी जो, उसको ना अच्छे से वॉल्ड है वो, मतलब पूरा ऐसा, यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, जो बाउंड्रीज हैं उनमें ना मतलब वॉल है, बड़ी वॉल खड़ी करी हुई है कि हाँ ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, यहाँ बाउंड्री है। सेम वैसे जो है यहाँ पे भी लोअर टाउन में भी था, ये भी अच्छे से वॉल्ड था, ठीक है। सो जिस तरीके से इन दोनों का ऐसा फंक्शन है, तो ऐसा माना जा सकता है कि जो सिटाडेल है ना, वहाँ पे बड़े बड़े फंक्शन या रिचुअल हुआ करते होंगे, और जो लोग हैं वो मतलब लोअर टाउन में ऐसे रहा करते होंगे, ठीक है। सो हाँ, ऐसा जो है मानना था, ठीक है, हम लोग को मतलब आर्कियोलॉजिस्ट का बेसिकली। सो मतलब और ऐसा भी अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन करें, सो अगर जितनी बड़ी बड़ी फाउंडेशंस और मतलब अगर हमें सिर्फ एक फाउंडेशन बनानी है ना, उस जितनी बड़ी जो स्कल्पचर वहाँ पर हुआ करते थे सिटाडेल में, उसका अगर सिर्फ हमें फाउंडेशन बनाना है एक दिन में, तो हमें 4 मिलियन पर्सन की ज़रूरत पड़ जाएगी। अदरवर मतलब वहाँ पर काफ़ी सारे, मतलब बोलने का मतलब ये कि ज़रूरी है कि वहाँ पे मतलब वहाँ पे बहुत सारे जो है लेबर को भी मोबिलाइज किया जाता होगा काफ़ी बड़े स्केल में, ठीक है। कुछ और अगर हम कंसीडर करें, सो जो बिल्डिंग है, ठीक है, जो बिल्डिंग एक्टिविटी है सिटी में, वो ना एक फिक्स्ड एरिया में मतलब फिक्स्ड एरिया में जो है वो रेस्ट्रिक्टेड थी कि यहीं पे ये प्लेटफॉर्म है, इधर पे जो चीज़ वो बनेगी, ठीक है। काफ़ी सही थे जैसे जिसमें ब्रिक्स हैं, जब ब्रिक्स है ना वो सन ड्राइड हुआ करती थी, मतलब उनको ना धूप में सुखा के जो है वो पकाया जाता था, ठीक है। और इनकी ना स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो होता था, मतलब देखो एक तो ईंट है एक तो इतने पुराने टाइम पे ईंट है, ऊपर से स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो में, मतलब ऐसा नहीं होता था कोई बड़ी कोई छोटी कोई ऐसी कोई वैसी, फिक्स्ड उनका जो है मतलब शेप और जो है वो सारे रेशियोज हुआ करते थे। जैसे उनकी जो लेंथ और जो ब्रेथ है वो 4 टाइम हुआ करती थी, और जो ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो ऐसी जो ब्रिक्स है वो हरप्पन सिविलाइजेशन में यूज़ की जाती थी। लेइंग आउट ड्रेन्स, ड्रेन्स क्या होती है? नालियाँ, ऑफकोर्स। अब आप बोलोगे क्या नालियाँ? देखो ना, इतना पुराना टाइम है, बट इतनी सारी, इतनी अच्छी सेटलमेंट, इतनी अच्छे तरीके से ये लोग सिविलाइज्ड है कि ऐसा लगेगा कि हाँ आज की किसी जगह की डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखो वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था, यानी कि पानी को कैसे बाहर निकालना है, कैसे कैसे सिस्टम है, वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली बनाया जाता था। बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान थी ये चीज़ें। कुछ ऐसा नहीं था कि आंगन में पानी भर रहा है, घर में पानी भर रहा है, ये सब चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से सिविलाइज था। देखो जो लोअर टाउन था, यानी कि जो लोग जहाँ पे लोग रहा करते थे, वहाँ पे रोड्स हुआ करती थी और स्ट्रीट्स हुआ करती थी, और वो ना ग्रिड पैटर्न में हुआ करता था। ग्रिड पैटर्न में सपोज कि ये रोड है, ठीक है, और यहाँ पर घर है, ठीक है, ये एक घर है, ये भी घर है। सो घर के हर एक मतलब जो जहाँ बाथरूम है, बाथरूम से ये वाला जो जगह है, जो बीच में एक लेन हम बोल सकते हो घरों के बीच में, मेन रोड यहाँ पे, तो घर की जो लेन है एक ड्रेन हुआ करती थी जहाँ पे पानी इकट्ठा होता था। इकट्ठा नहीं होता था बट पानी उधर जाया करता था, ठीक है। देखो मतलब ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता था, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। सो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, ये मतलब क्या होता है कि घर से जो भी पानी है वो इधर पे जाकर, फिर ये जो गंदा पानी है ये सारा कहीं और जाके इकट्ठा होता था, ठीक है, ताकि जो डोमेस्टिक वाटर है वो मतलब जा सके ऐसे। तो होता क्या था कि घर का जो एक वाला दरवाजा है वो मेन डोर की तरफ पे होता था, और एक वाला जो है वो ये नीचे वाली उस पे जो है वो मिलता था, ठीक है। सो मतलब इतना अच्छा जो है सैनिटरी का भी ध्यान रखा जाता था। हर एक बाथरूम में जो पानी है वो ऐसे कनेक्ट होता था यहाँ पर, ठीक है। सो एक बात याद रखना, यहाँ पे हर एक घर में टॉयलेट्स होते थे, हर एक घर पे वो बाथरूम हुआ करते थे। और हम अभी कुछ टाइम पहले तक लड़ रहे थे कि गवर्नमेंट को बोलो हर घर पे बाथरूम बनाए, हर घर पे टॉयलेट बनाए। सोचो ये तो वो नहीं हो गया कि अच्छी खासी सिविलाइज्ड सोसाइटी से हम लोग कितने डिग्रेड हो गए, राइट। देखो यहाँ पे इतनी ह्यूज ड्रेन है, इतना बड़ी बड़ी ड्रेन बनाई गई है, इतना जो है वो हाइजीन का जो है वो ध्यान रखा जाता था, ठीक है, उस टाइम पे। देखो इतना अच्छा जो सैनिटाइजेशन था उस टाइम पे। अब हम देखते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था, लोगों के घर हुआ कैसे करते थे, ठीक है। देखो जो लोअर टाउन था, बेसिकली घर घर जो घर लैंड ड्रेनेज ये ब्रिक्स वगैरह ये सब कुछ लोअर टाउन से ही रिलेटेड है, ठीक है। सो यहाँ पे एक ना कंट्री यार्ड हुआ करता था, एक कंट्री यार्ड बोले तो एक वरांदा हुआ करता था काइंड ऑफ, ठीक है। सो जो वरांदा है वहाँ पे सारी एक्टिविटीज हुआ करती थी, जैसे खाना वगैरह बनाना, ठीक है, पर्टिकुलरली हॉट ड्राई वेदर पे। बट ना एक बात हमें ये पता चली कि ये जो भी लोग थे ना हरप्पन सिविलाइजेशन के, ये ना प्राइवेसी के वो इनका काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था, कि ये बहुत ही ज़्यादा इसमें थे कि प्राइवेसी होनी चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए सब, ठीक है। सो ग्राउंड फ्लोर जो था ना, उधर एक भी खिड़की नहीं थी कि कोई भी आता जाता ऐसा देख जाए अंदर क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर था, यानी कि जो बरामदा था ना वो खुद बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर में था, गली गलियारे में जाके अंदर जाके कंट्री यार्ड आता था। हर एक घर का बाथरूम था। सो सिस्टम क्या था कि जो कोर्ट यार्ड है, यानी कि जो बरामदा है, जो कोर्ट यार्ड है, वहाँ से देखोगे ना आप तो कोई भी कमरे का अंदर का सिस्टम कुछ नहीं दिखेगा। बस जो कोर्ट याद है वो डायरेक्टली रिलेट जो है वो जुड़ता होगा बाथरूम से, ठीक है, और जो मेन एंट्री है, ठीक है, कि अगर किसी को, और वेल से, ठीक है। मतलब देख लो जो जो वरांदा है वो एक तरफ वेल से मिलता है और एक तरफ बाथरूम से मिलता है, और बीच का जो है वो कुछ नहीं दिखता, घर का कहीं का कुछ नहीं दिखता उसमें, ठीक है। सो बस अगर कोई आता है तो वो अपना पानी पीना चाहता है तो पानी पी के चले जाए, और तो बाथरूम जाए तो बाथरूम जाके चले जाए। किसी का कहीं का कुछ भी नहीं दिखता था, इतनी ज़्यादा प्राइवेसी थी वहाँ पे। बस जो सेकंड अब उसकी जो ऊपर वाली मंजिल थी वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है खिड़की वगैरह हुआ करती थी, बट नीचे तो कुछ भी नहीं, ठीक है। और हर एक घर में ना अपनी वेल हुआ करती थी, हर एक घर का अपना कुआं हुआ करता था, और सिर्फ मोहनजो डारो में अराउंड हमें 700 से ज़्यादा जो है वो वेल्स मिले हैं। तो यहाँ पे देखो ना हमारे पास घर का एक वो है मैप कि घर कैसे हुआ करता था। तो देखो बताओ आप कौन सा कमरा एक दूसरे से मिलता है, कोई भी कमरा कहीं से नहीं मिलता है। सो इतनी प्राइवेसी का जो है इनका मतलब ये ध्यान रखते थे, ठीक है। सिटाडेल के बारे में पढ़ लेते हैं। सो देखो सिटाडेल में काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे वेयर हाउस। सो इसलिए ये माना जाता है कि सिटाडेल ना पब्लिक पर्पसेस के लिए जो है वो मतलब यूज़ किया जाता होगा, कि सिटाडेल का कुछ जो मतलब फंक्शन वगैरह में, ठीक है। वहाँ पे वेयर हाउस हुआ करता था, वहाँ पे एक मैसिव स्ट्रक्चर हुआ करता था लोअर बिग प्रोपोर्शन का, ठीक है, जिसको ग्रेट बाथ बोला जाता था। सो आई थिंक वी मस्ट बी हैविंग अ फोटो ऑफ ग्रेट बाथ, नहीं है यहाँ पे, चलो
चलो कोई बात नहीं. ग्रेट बात हमने पढ़ा है आई थिंक इन आर पुरा इन आर लाइक जूनियर क्लासेज आई गेस हमने बहुत पहले बट ये चीज़ पढ़ी है राइट. ग्रेट बात मेसोपोटामिया ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं. सो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास ना ग्रेट बात का एक स्ट्रक्चर है. सो इधर जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँगी हम इधर इधर इसको देखते जाएंगे ठीक है. देखो सो ग्रेट बात ना एक रेक्टेंगुलर टैंक हुआ करता था जिसके चारों तरफ जो है बरामदा हुआ करता था ठीक है. चारों तरफ एक कॉरिडोर हुआ करता था और इसके जो नॉर्थ और साउथ वाली साइड है एक ये जो आपको चीज़ दिख रही है और ये वाली जो चीज़ दिख रही है इसमें ना सीढ़ियाँ हुआ करती थी ठीक है. मतलब ये जो है और ये जो है ये ना सीढ़ियाँ हैं जिससे आप इस ग्रेट बात के अंदर एंटर कर सकते हो ठीक है. सो अब देखो इस ये जो चीज़ बनाई गई है ना ये ईंटों से बनाई गई है और ऐसा नहीं है कि पानी बाहर आ रहा है ठीक है. जैसे इसमें ना अच्छे से जिप्सम से काम किया गया है जो आप बोल सकते हैं कि उस टाइम का सीमेंट हो सकता है ठीक है. बट तो कोई भी मिट्टी कोई भी पत्थर जो है वो बाहर नहीं आता होता ठीक है. सो और इस साइड पे ना इसके तीन साइड पे ना ये वाला जो आपको दिख रहा है इसके तीन साइड में ना कमरे हुआ करते थे ठीक है. लार्ज वेल के साथ जो है कमरे हुआ करते थे और बाथरूम हुआ करता था ताकि लोग जब ना नहा धो के चले जाए ठीक है. और ऐसा नहीं है कि हाँ चलो पानी और ये ग्रेट बात है यहाँ का जो पानी है वो इकट्ठा हो रहा है फिर सड़ रहा है फिर ख़राब हो रहा है ऐसा कुछ नहीं था. ये जो ग्रेट बात है ना ये एक ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड हुआ करता था और ये सारे बाथरूम भी उसी ड्रेनेज सिस्टम में जाके कनेक्ट हो जाते थे ठीक है. सो फिर वो पानी जो है गंदा पानी बाहर आ जाता था फिर से उसमें अच्छा पानी भर दिया जाता था ठीक है. सो इतना अच्छा जो ड्रेनेज सिस्टम था स्मॉलर बिल्डिंग थी ताकि वहाँ पर बाथरूम हो सके ठीक है. सो फिर बाद में जो है वो सारे बाथरूम के ड्रेन हो गए और जो जो ग्रेट बात है उसका भी ड्रेन जो है आपस में वो एक ही जगह पे मिल जाता था ठीक है. सो ये जो हमने पढ़ लिया हमारा ग्रेट बात. अब हम पढ़ते हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस. अब देखो ना अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि लोग रहते कैसे थे लोगों का सिस्टम क्या था. बट आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी लगा कि यार अब हरप्पन सिविलाइजेशन में क्या सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे जैसे आज हमारी कंट्री में है राइट. कास्ट बेसिस पे देख ले हम या सोशल बेसिस पे देख ले इकोनॉमिक बेसिस में कुछ डिफरेंसेस है कि यहाँ कुछ लोग अमीर है कुछ लोग गरीब है. सो यही चीज़ हमारे दिमाग में भी जागी है और उसको मतलब जानने का एक बेटर ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन मिला हमें कि हम बरियल्स को देखें. बरियल्स यानी कि जहाँ भी लोगों को गाड़ा गया है जो भी उनकी ग्रेव्स है उनको चेक करें. ऐसा क्यों देखो जैसे हमने इजिप्ट में देखा ना जो भी मतलब वहाँ पे मैसिव पिरामिड हुआ करते थे और वहाँ पे जो भी उनका राजा वगैरह उनका मतलब वो उनका जो बरियल होता है और उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं मतलब अकॉर्डिंग टू देयर स्टफ राइट. सो वैसे ही चीज़ें हमने यहाँ पे देखी कि अगर लोगों के साथ रॉयल चीज़ें दफनाई गई है ऑफकोर्स वो बड़े आदमी है या कुछ ऐसे गरीब है सो उनके साथ ठीक है. सो वैसे ही हमने जो इनको स्टडी करा तो हमने देखा कि जो ग्रेव्स है ना उसमें बहुत ही पॉटरी और ऑर्नामेंट्स की जैसी चीज़ें हैं. इसका मतलब ये था कि हाँ जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं वो भी आफ्टर बर्थ में बिलीव करते हैं. आफ्टर बर्थ क्या होता है मतलब पुनर्जन्म तभी वो ये सारी चीज़ें उनके साथ डालते थे ठीक है. ज्वेलरी हमें दिखी जो कि मेन्स और वुमेन्स दोनों के साथ थी ठीक है. जो एक्सकवेशन हुई मतलब एक सीमेट्री की हरप्पा में वहाँ पे जाके हमें मतलब ऐसा नहीं था मतलब मैक्सिमम हमें किसी के साथ भी ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं मिली बट बस एक ऐसी सिमेट्री हमें मिली 1980s में जहाँ पे हमें एक उन्होंने एक ऑर्नामेंट पहना था जिसमें तीन शेल वाली रिंग्स थी ठीक है. गले में उन्होंने पहनी हुई थी जो कि एक बहुत ही सेमी प्रीशियस स्टोन है ठीक है. सो उनके मतलब स्कल के पास काफ़ी माइक्रो बीड्स भी मिले हम लोगों को और देखा गया कि मतलब कुछ ऐसे है जहाँ पे कॉपर मिरर भी है. सो ये वाला जो था जहाँ पर हमें ये तीन शेल वाली रिंग मिली है जैस्पर के साथ सो डैट वॉज कि हाँ ये थोड़ा हमें लगा कि थोड़ा मतलब बड़ा है. उसके अलावा तो कुछ भी ऐसे मतलब नॉर्मल जो चीज़ें हैं वही जो है चीज़ें लोगों के साथ बरी की जाती थी ठीक है. सो ये ऐसा भी लगता है कि जो हरप्पन है वो इन लोगों के साथ प्रीशियस चीज़ें डालना शुरू मतलब डालना बांधते नहीं थे या तो फिर सारे लोग इक्वल थे कुछ भी ऐसे कुछ बड़ा वगैरह नहीं था कुछ भी मतलब बड़ा कुछ है वो लोगों ने डिस्कस करा वो भी हम यहाँ पढ़ेंगे. एक तो हम बरियाज के बारे में देख लेते हैं दूसरे हम जाते हैं लग्जरीज की तरफ कि यार क्या क्या लग्जरीज है ठीक है. उसके अकॉर्डिंग भी हम देख लेते हैं कि हाँ अगर ये लग्जरी आइटम है ये जिसके पास है वो अमीर है ठीक है. तो देखो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ना
ब्रॉडली क्लासिफाई करा एक तो यूलेटेरियन को और लग्जरीज को. यूलेटेरियन क्या होते हैं? जो यूलेटेरियन होते हैं वो होते हैं जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे आज हम बोलेंगे सोप, ब्रश, पेस्ट, ये सारी हमारी डे टू डे लाइफ है, बट उस टाइम की क्या हुआ करती थी. और लग्जरीज, ठीक है. सो जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें आया करती थी जो भी मतलब फेयरली जो हमें हर एक घर पे मिली, जो हर एक घर पे इजीली मिल गई, वो सारी चीज़ें जैसे कि पोटरी, नीडल्स, फ्लैश स्क्रबर्स यानी कि बॉडी स्क्रबर्स वगैरह वगैरह. तो ये सारी चीज़ें जो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉमन थी. सो लोगों ने जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने इनको लग्जरीज नहीं बोला. और कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही रेयरली मिली है कुछ एक घरों में जाके और जो कि कॉस्टली और नॉन लोकल मटीरियल से बनी हैं, जिसमें थोड़ी सी लाइक टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने लग्जरीज बोला, ठीक है. सो जो नॉन लोकल मटीरियल से चीज़ें मिली उसमें से एक था फयांस, ठीक है. सो फयांस था वो एक 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 ग्राउंड सो जो ग्राउंड सैंड और जो सिलिका होता है ना उसको मिक्स करके उसको अच्छे से गम करके फिर उसको जो है फायर किया जाता है बहुत टाइम तक कि वो जलते रहे. सो इसका काफ़ी बड़ा प्रोसेस है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस भी है. सो इसको बनाना भी टफ है. सो इसको जो है वो बोला गया कि ये एक लग्जरी आइटम है. सो यहाँ पे देखो हमारे पास ये फयांस पॉट की एक फ़ोटो भी है, ठीक है. सो ये जो सिचुएशन थी ना ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई बिकॉज जो स्पिंडल हुआ करते थे ना, स्पिंडल क्या होते हैं, जो चरखे होते हैं, वहाँ की सुई, एक सुई थी स्पिंडल वर्क की, वो भी ना इसी मटेरियल से बनी हुई थी. सो जो वो है आप कन्फ्यूज हो गए आर्कियोलॉजिस्ट की ये मतलब यूटिलाइरिंग है कि लग्जरीज है, ठीक है. सो अब हम कुछ मतलब जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा है. सो हमें काफ़ी रेयर ऑब्जेक्ट्स ऐसे मिले, काफ़ी वैल्यूएबल मटीरियल मिले जो कि जनरली बहुत ही लार्ज सेटलमेंट में मिले, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ऐसे छोटे मोटे जगहों पे नहीं मिले, वो भी रेयरली इन मतलब स्मॉलर सेटलमेंट में तो बहुत ही कम मिले. जैसे एग्जांपल के लिए जब मिनिएचर पोर्ट्स थे फायंस के जो हमने अभी पढ़ा, जो कि परफ्यूम बॉटल्स के लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज उस टाइम पे ये चीज़ें टफ थी क्योंकि परफ्यूम इसे इजीली नहीं बन जाता था, राइट. सो जब परफ्यूम बनाना टफ है, सो ऑफकोर्स परफ्यूम भी एक लग्जरियस आइटम है, ठीक है. और कालीबंगन जैसी स्मॉल सेटलमेंट्स में तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं. गोल्ड भी बहुत ज़्यादा रेयर था. गोल्ड ज्वेलरी हमें हरप्पन साइट्स में मिली, ठीक है. सो गोल्ड भी बहुत ज़्यादा कम मिली. सो ऑफकोर्स गोल्ड भी जो है वो रेयर मटीरियल उस टाइम पे कैटेगराइज कर दिया, ठीक है. फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन. सो देखो अगर हम ये चीज़ डिस्कस करें, सो जो चनुदारो है, ठीक है. सो वहाँ पे वो एक बहुत ही टीनी सेटलमेंट है, एक बहुत ही छोटी सी सेटलमेंट है, 7 हेक्टर्स की, सिर्फ 7 हेक्टर्स की. तो देखो जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो 125 हेक्टर्स की है. सो इससे कंपेयर करें तो ये बहुत ही कम है चनुदारो, ठीक है. सो ये जो चनुदारो है ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन देखने को मिलते हैं. सो सबसे ज़्यादा क्राफ्ट अगर हम बोले जिसमें बीड्स मेकिंग हो गया, फिर शेल कटिंग हो गई, मेटल वर्क हो गया, सील मेकिंग हो गई, वेट मेकिंग, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं. ये बेसिक चीज़ें मतलब आर्ट को रिलेटेड ये सारी काम मिली हम लोगों को इसमें चुनदारों में, ठीक है. सो काफ़ी ऐसी मटेरियल हमें मिले. यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे रिमार्केबल मटेरियल मिले जो बीड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि कार्नेलियन का जो स्टोन है ना वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाल रंग का स्टोन होता है और ये ना बहुत ही मतलब मुश्किल से बनता है. इतनी इसको बहुत ही ज़्यादा अलग अलग स्टेजेस में बहुत बार ऐसे जलाना पड़ता है तब जाके ये बनता है, राइट. सो उसके बाद जैस्पर हो गया और फिर क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, फिर सीटीट, कुछ ऐसे मेटल्स है जैसे कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, फिर शेल, फयांस जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, टेराकोटा, बोंड क्ले, ऐसी चीज़ों की हमें बहुत सारी चीज़ें पहले हमें देखने को मिली थी वहाँ पर, ठीक है. सो कुछ ऐसे बीड्स थे जो कि दो या उससे ज़्यादा स्टोन से भी मिले हुए जिनको आपस में ना सीमेंट करा हुआ था. सीमेंट मतलब ऐसे आप बोल सकते हो कि सीमेंट करके उसको ग्लू की तरह जो है वो ऐसे चिपका के रखा गया होगा, ठीक है. फिर कुछ ऐसे थे जिनको गोल्ड कैप से ऐसे फंसा के रखा था आपस में. कुछ सिंड्रिकल थे, कुछ स्फेरिकल थे, कुछ बैरल शेप थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर के थे. कुछ ऐसे थे जिनमें इंसेंसिंग की गई थी. इंसेंसिंग मतलब थोड़ा सा कटिंग करके उसमें डिज़ाइन किया गया था. कुछ में पेंटिंग भी की गई थी, ठीक है. सो यहाँ पे देखो हमारे पास हम बोल सकते एक
एक ये टूल है हमारे पास किसी चीज़ का और ये हमारे पास बीज है। सो देखो ये इतनी इतनी बीट्स को ना इन्होंने एक थ्रेड में किसी चीज़ से फंसा फंसा के इतना बड़ा ये बना दिया है, ठीक है। सो ये सब कुछ भी ज़मीन के अंदर से ही निकला है, ठीक है। तभी हमें जो है इन चीज़ों के बारे में भी पता चला, ठीक है। तो फिर ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ऑर्नामेंट्स बोल सकते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है इन चीज़ों से बनी हुई थी, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट इनके शेप्स भी हुआ करते थे, ठीक है। तो इनको बनाने में जो टेक्निक्स यूज़ की गई होंगी ना वो शायद डिफ़र हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि अलग अलग मटीरियल है, अलग अलग चीज़ें से बनेगा, अलग अलग टेक्नोलॉजी भी अलग अलग लगेगी। जैसे जो सिटेराइट है वो ना एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्नो सॉफ्ट स्टोन होता है क्ले की तरह, फिर उस पर बहुत ही प्यार से काम करके हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। सो आर्कियोलॉजिस्ट की जो एक्सपेरिमेंट है ना उससे हमें ये पता चला कि जो रेड कलर है ना कार्नेलियन का वो ना एक येलोइश रो मटेरियल से बनता है और उसको तब तक जलाया जाता है तब तक डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में जब तक वो प्यारा सा लाल रंग ना दे। सो ये काफ़ी मतलब वेरियस स्टेज वाली प्रोडक्शन है और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। सो स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हो सकता है उस टाइम पे जो है चनोदारो लोथल में और धोलावीरा जैसी जगहों में मिले जो कि इन्हीं चीज़ों के लिए जो है वो यूज़ किए जाते थे, ठीक है। कुछ ऐसे जैसे हम नागेश्वर और बालाकोट के बारे में बात करें सो वहाँ पर हमें ऐसे दिखाई कि वो दोनों जो जगह है वो कहाँ के करीब है, वो उसके करीब है मतलब कोस्ट के पास है, कोस्ट है वो सारी, ठीक है। सो ये स्पेशलाइज सेंटर है शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे वहाँ पे बैंगल्स लेडल्स और इनले ये सारी चीज़ें जो है वो शेल्स से बनती है, ठीक है। सो जो चनोदारो और लोथल है वो एक लार्ज अर्बन सेंटर है मोहनजोदारो और हरप्पा की तरह, ठीक है। सो अब ना सेंटर ऑफ प्रोडक्शन आइडेंटिफाई करना कि चीज़ें बन करके कहाँ आती है और क्या चीज़ें वहीं बनती है जहाँ पर वो हैं। जैसे हरप्पा में इतनी सारी चीज़ें हैं बट क्या वो चीज़ें बनती भी हरप्पा में थी या बन करके कहीं और आती थी। जैसे हमने भी पढ़ा कि कुछ चीज़ें वहाँ मिलती थी तो वो भी हम पढ़ लेते हैं अभी कि क्या क्या यहाँ पे सिस्टम था कि ट्रेड वगैरह कभी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं। देखो जो रॉ मटेरियल थे जैसे स्टोन मॉड्यूल्स होल शेल्स कॉपर और टोल्स अनफिनिश ऑब्जेक्ट्स रिजेक्ट एंड वेस्ट मटीरियल ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो सपोज़ आप घर पे ना कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप क्ले का कुछ आपने बनाया अपने कमरे में, सो आपने वो क्ले का वहाँ पे कुछ बनाया सो आपका कुछ वेस्ट गिर गया होगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे रह गई होंगी, ठीक है। सो अगर आप उसको उस पर्टिकुलर चीज़ को उठा के दूसरे कमरे में ले जाओगे बट अगर कोई आएगा उस घर पे फिर से सो अगर वो फर्स्ट वाले कमरे में आएगा तो वो देखेगा कि हाँ वेस्ट तो यहाँ पड़ा है और बट चीज़ जो है वो आगे वाले कमरे में। सो इसका मतलब है कि चीज़ वहाँ पर बनी है जहाँ पे वेस्ट है, राइट। सो वैसा ही यहाँ पर जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने करा, जहाँ पर भी वेस्ट मटीरियल था वहीं पर जो है चीज़ें बन करके आती थी। इनफैक्ट वेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट इंडिकेटर था क्राफ्ट वर्कर का, ठीक है। फिर बिकॉज अब देखो आप कोई भी चीज़ को काट रहे हो, आप उसको तोड़ रहे हो तो उसकी कुछ पीसीस जो हैं वो रह जाएंगे, ठीक है, जो कि डिस्कार्ड नहीं हुए वेस्ट की तरह, तो ऑफकोर्स वो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पे ही रहेंगे, ठीक है। सो कभी कभी ऐसे लार्ज वेसल की पीसीस थे, लार्ज वेस्ट पीसीस थे जो कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे। मतलब जो लोग थे हरप्पन सिविलाइजेशन के वो चीज़ों को वेस्ट नहीं करते थे, जो वहाँ पर रह गया उसको अगर बड़ा पीस है तो उससे कोई छोटी चीज़ जो है वो बना दिया करते थे, ठीक है। बट कभी कभी जो है वो उनको मतलब रह जाती हैं चीज़ें ऑफकोर्स, तो उससे हमें लोगों को चीज़ें पता चल गई थी, ठीक है। सो क्राफ्ट प्रोडक्शन वो मोहनजोदारो और हरप्पा जैसी जगहों पे भी होता था, ठीक है। बट सो अब मटेरियल को प्रोक्योर करने की क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी, देखो ऑब्वियस अब जब बहुत सारे मटेरियल यूज़ हो रहे हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए सो ऑफकोर्स कुछ ऐसी क्ले थी जो कि लोकली मिल जाती है, कुछ ऐसे स्टोन थे टिम्बर थे और जो मेटल थे जो कि बाहर से लाना पड़ता है। जैसे जो टेराकोटा टॉय था जैसे बुलक कार्ट का, उससे हमें ये पता चलता है कि गुड्स को ना ट्रांसपोर्ट किया जाता था, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे पास नहीं होती है सो आप क्या करते हो, आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हो, आप उसका ट्रेड करते हो। वैसे यहाँ पर किया गया जो इंदस और उसके ट्रिब्यूटरीज है ना वहाँ पर जो है हम लोगों ने यानी कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा ट्रेड करना शुरू कर दिया था इस रूट्स के साथ साथ, ऐसा जो है मानना है हम लोगों का यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट का।
ठीक है, जो मटेरियल्स है सब कॉन्टिनेंट और उनके बियॉन्ड, वो कैसे कैसे मिला। देखो जो हरप्पन है, जो हरप्पा सिविलाइजेशन है ना, वहाँ का जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो काफ़ी सारे तरीके से होता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो सेटलमेंट नागेश्वर में और जो बालाकोट था, बालाकोट में था, वहाँ की जो शैल है वो और जगह पे भी हमें देखने को मिले। कुछ ऐसे साइट्स थी जैसे छोटू गई जो कि अब अफगानिस्तान में आता है, वहाँ का ना लपिस लजूली जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था। अब मुझे बताओ लपिस लजूली से किस किस को 11th चैप्टर की आंटी की मुंडी याद आई, यानी कि वुमेंस हेड याद आई, जहाँ पे उनकी आईब्रो और उनकी जो आईज है वो लपिस लजूली की बनी होती थी। मेरे को तो याद आ गया अचानक से वो याद करके ये पढ़ के। ठीक है, सो वो जो ब्लू स्टोन था ना, जैसा क्योंकि हमने बोला था कि आंटी जी की जो मुंडी है उनका जो मटेरियल है जिससे उनकी आँख और आईब्रो बनी है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीशियस क्वालिटी की थी। ठीक है, सो वो जो ब्लू स्टोन था वो उस टाइम का था। किस टाइम का? इसका हरप्पन टाइम का भी था। ठीक है, वो उस टाइम पे। ठीक है, फिर जैसे जो लोथाल हो गया, वहाँ पे कर्नेलियन बहुत अच्छा मिलता था, सीटाइट वो राजस्थान में और गुजरात में, और काफ़ी मेटल्स है जो राजस्थान में मिला करते थे। ठीक है, सो जो और स्ट्रेटजी थी रॉ मटेरियल को ऐसे वो करने की, वो थी कि जब एरियाज को एक्सपेंड किया गया, जैसे कि खेतरी रीजन राजस्थान का, वहाँ पे कॉपर बहुत अच्छा मिला करता था, और साउथ इंडिया में जो है वो गोल्ड बहुत हाई क्वालिटी में मिला करता था। ठीक है, सो ये जो एक्सपेंडिचर है कम्युनिकेशन का वो लोकल कम्युनिटीज़ में ही हुआ करता था। कुछ ऐसे ओकेशनल फाइंड्स है, ओकेशनल फाइंड्स मतलब फाइंड्स यहाँ पे जो वर्ड है वो उन चीज़ों से रिलेटेड है, जो चीज़ें फाइंड्स का मतलब जो भी हमें इस एक्सकवेशन के दौरान जो भी हमें चीज़ें मिली उनको हम फाइंड्स बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो हरप्पन आर्टिफैक्ट के कुछ ऐसे ऐसे फाइंड्स हमें मिले जो जिसमें बहुत ही माइक्रो बीड्स हैं। ठीक है, जो कि इट्स इन कॉन्टैक्ट्स को दिखाते हैं कि ऐसे बीड्स हैं जो कि यहाँ पर उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं होते, तो ऑफकोर्स आप वो चीज़ कहीं उससे मंगवा रहे हो, सो कहीं ना कहीं जो है वो कॉन्टैक्ट भी था। ठीक है, सो जो खेतरी एरिया था वो उसमें ऐसी चीज़ें मिलती है जैसे जो गणेश्वर है जोधपुरा कल्चर, वो वहाँ पे खेतरी एरिया में दिखती है। ठीक है, सो वहाँ का जो आर्किटेक्चर है ना वो नॉन हरप्पन पॉटरी है, वो गणेश्वर जोधावरा कल्चर है, वो हरप्पन पॉटरी नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, और जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स है ना उनकी इतनी अनयूजुअल वेल्थ है जिसकी वजह से जो ये चीज़ हम लोगों ने बोली। ठीक है, सो ये पॉसिबल है कि जो कॉपर है वो ना सप्लाई हुआ करता होगा, मतलब हर चीज़ की जो वहाँ पर सप्लाई हुआ करती होगी, ये जो है हम लोगों ने बोलना शुरू करा। ठीक है, हम लोगों ने इन द सेंस जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, अब डिस्टेंट लैंड के साथ भी कंटेक्ट क्या था क्या हमारा, ये सब कुछ तो हरप्पन यानी कि इंडस सिविलाइजेशन के अंदर आता था, बट डिस्टेंट लैंड के बाहर की दुनिया से भी, बाहर की जो कंट्रीज थी, बाहर का जो जगह था, वहाँ से भी हमारा कुछ कॉन्टैक्ट था क्या। सो कुछ ऐसे मतलब रिसेंट आर्कियोलॉजिस्ट है, सो हमने ऐसा देखा कि ओमान में ना, मतलब ओमान में कुछ ऐसे कॉपर के वेसल्स हैं साउथ ईस्टर्न टिप के अरेबियन पेनिनसुला में, मतलब जो ओमानी कॉपर है ना वो हरप्पन आर्टिफैक्ट में थोड़ा थोड़ा ना हमें वो दिखता है कि आर्किटेक्ट जो हरप्पन आर्किटेक्ट में जो ओमानी जो कॉपर है ना वो ओमानी है शायद, और कुछ ऐसे जार हैं जो वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हमें ओमान में वो हरप्पन जार है। सो इसका मतलब है कि ट्रेड हुआ करता था, हरप्पन जार वहाँ पे है और वहाँ का कॉपर हमारे पास, इट मींस जो है एक्सचेंज हुआ करता था। अब पता नहीं उन वेसल्स के अंदर कुछ और चीज़ें भी डाल के दी जाती थी या नहीं, बट इतना पता है कि हाँ कॉपर हमारे पास है और हमारे जो कुछ ऐसे वेसल्स हैं वो उनके पास थे। ठीक है, सो इट मीन्स जो है एक्सचेंज वो हुआ था। ठीक है, सो जो मेसोपोटामिया टेक्स्ट है ना वो मतलब पढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो उसमें एक जगह रेफर करी है जहाँ से कॉपर आता है जिसको बोला गया है मगान। ठीक है, जो कि ओमान के लिए ऑफ कोर्स जो जगह का है वो नाम हो सकता है। ठीक है, जो मेसोपोटामिया साइट है उसमें कुछ निकल और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी ऐसी चीज़ें मतलब दिखी जहाँ पे जो हरप्पन सील्स है, वेट्स है, डाइस और बीड्स हैं उनका जो है थोड़ा थोड़ा मतलब मेसोपोटामिया में जो है थोड़ा ऐसा डिस्कशन किया गया है। ठीक है, जो मेसोपोटामिया टेक्स्ट है ना वो एक जगह के बारे में मेंशन करती है जिसको दिलुम बोला जाता है। ठीक है, जो कि शायद बहरेन का जो आइलैंड है उसके लिए, मगान और मेलुआ जो कि शायद हरप्पन रीजन के लिए यूज़ किया जाता होगा पॉसिबली। ठीक है, जो बिकॉज जो भी प्रोडक्ट मेंशन किए गए हैं मेलुहा से आते थे, जैसे कि कर्नोलियन, लैपिस लजूली, कॉपर, गोल्ड वैरायटी के गुड्स, सो ऐसा
सो ऑफ कोर्स बिकॉज ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आती है, ये जो चीज़ें हैं ये हमने अभी देखा कि हरप्पन सिविलाइजेशन में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो शायद शायद ये चीज़ें जो है ये जो ये वर्ड मेलुहा यूज़ कर रहे हैं ये हरप्पन सिविलाइजेशन के लिए कर रहे हो सकते हैं। सो एक ना यहाँ पर हमारे पास एक मिथ है मेलुहा का जो कि पता नहीं क्या है क्या, मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड मे इट्स कॉल बी द हर्ड ऑफ द रॉयल पैलेस। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि जो हाजा बर्ड है वो पिकॉक के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, और जो कम्युनिकेशन है वो ओमान की तरफ से है शायद। जो बहरीन और मेसोपोटामिया है वो सी है बिकॉज वो सी से कहीं कनेक्ट करता है, बाय सी है ना, सो कहीं ओमान से कनेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं हरप्पा सिविलाइजेशन। सो ये कहीं ना कहीं चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है अगर हम हरप्पा के बारे में बात करें, क्योंकि चीज़ें हमें पता नहीं है। हरप्पा ने उस टाइम पे शिप्स और बोट्स का यूज़ करना शुरू कर दिया था, राइट। सो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखो ऐसी एक सील है जो कि बोट में दिखी थी। सो डिफरेंट डिफरेंट मतलब काफ़ी सारी ऐसी कन्फ्यूजन है, हम क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है। सो सील स्क्रिप्टिंग एंड वेट्स, सील्स एंड सीलिंग। देखो सील्स और जो सीलिंग्स है ना वो बहुत ही लार्ज डिस्टिंक्ट कम्युनिकेशन के लिए, देखो सील नॉर्मल लैंग्वेज पे आज सील क्या है, आज सील वो चीज़ है, देखो अगर आप कोई पार्सल आता है सो उस वो सील होकर आता है, सो उसका ये है कि हाँ आपका जो प्रोडक्ट है वो बंद है, ठीक है, वो किसी ने टैम्पर नहीं किया है, किसी ने खोला नहीं है, राइट। सो यहाँ पर भी सील का सेम ही मतलब था, सील इसीलिए के लिए यूज़ की जाती थी। सपोज अगर आप किसी बैग में या किसी भी चीज़ में कोई चीज़ बहुत ही दूर भेज रहे हो, सो एक वो ना उसमें ना एक क्ले की सील लगा के उसके ऊपर ना एक थप्पा हो सकते, मतलब एक ना वो चीज़ लिख देते थे, एक आइडेंटिटी बना देते थे कि हाँ ये सीलिंग जो है ये सेंडर की आइडेंटिटी है, और अगर वो सीलिंग वैसी की वैसी है तो ऑफकोर्स किसी ने आपका तोड़ा नहीं है चीज़, और अगर सीलिंग टूट गई है तो इसका मतलब किसी ने आपका चीज़ जो है वो खोल दिया, उसको टैम्पर कर दिया है, ठीक है। द एनिगमेटिक स्क्रिप्ट, देखो जो हरप्पन सील है ना वो एक लाइन ऑफ राइटिंग बेसिकली इसमें हुआ करती थी कि एक एक पर्टिकुलर एक लाइन होगी जिसमें कुछ लिखा होगा, और एक हो सकता है कि वो ओनर का नाम है कुछ भी हो, हमें इतना नहीं पता बिकॉज हम नहीं आता है हम लोगों को वो चीज़ पढ़ने, और एक एनिमल का जो है वो फोटो हुआ करता था, इग्नोर द एनिमल प्लीज़, ठीक है, एक एनिमल की फ़ोटो हुआ करती थी। शायद ये उन लोगों के लिए भी हो जो ना पढ़ सके, डैट इज़ वाई कि वो हम मीनिंग को कन्वे कर सके, ठीक है। जो इंस्क्रिप्ट थे ना वो ज़्यादा मतलब मैक्सिमम शॉर्ट ही हुआ करते थे, बट जो सबसे बड़ा हमें अभी तक मिला डैट वॉज ऑफ 26 साइंस, ठीक है। सो अब आर्कियोलॉजिस्ट का ये बोलना है कि शायद वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम नहीं था, मतलब कुछ ऐसा ए बी सी डी का सिस्टम नहीं था, बल्कि साइंस वाला सिस्टम चला करता था, ठीक है, मतलब कोई ऐसे वोवल या कॉन्सोनेंट नहीं हुआ करते थे, साइंस हुआ करते थे पर्टिकुलर चीज़ को दिखाने के लिए। सो वहाँ पे करीब 375 से लेके 400 के बीच में बहुत सारे ऐसे साइंस हैं, ठीक है। और हमें एक और चीज़ पता चली है कि जैसे हम कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट से राइट की तरफ को लिखते हैं, राइट, बट यहाँ पे क्या होता था वो ना लेफ्ट से राइट की तरफ को लिखते थे, ऐसा हमें क्यों पता चला, आई मीन सॉरी वो राइट से लेफ्ट की तरफ को लिखते थे, और हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट से राइट की तरफ को लिखते हैं। सो हमें ये इसलिए पता चला बिकॉज जो लेफ्ट वाला साइड है ना उधर, सॉरी जो राइट वाला साइड है ना उधर जगह छोड़ी हुई थी, और एंड में ना बहुत ही ऐसा कचपच कचपच करा हुआ था। सो जैसे हम भी अभी लाइन में लिखते कि अगर हमें हमारे पास इतना सा पेज है ना कि हमें इतने से में लिखना है, तो हम यहाँ से थोड़ा जगह छोड़ के कुछ चीज़ लिखेंगे 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 लिखेंगे, और जब यहाँ पे वो चीज़ फिट नहीं आएगी तो हम उसको ना ऐसे मतलब बड़ा कंजस्टेड कंजस्टेड कर देते हैं, राइट। सो वैसा ही सिस्टम यहाँ पे हमें देखने को मिला। सो हम लोगों ने ये बोला कि हाँ ये लेफ्ट से राइट की तरफ पे लिखा करते थे, मतलब राइट टू लेफ्ट की तरफ पे लिखा करते थे, ठीक है। सो कंसीडरिंग काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स थे जिन पे चीज़ें लिखा जाती थी, जैसे सील्स, कॉपर के टूल्स, रिम्स ऑफ जार्स, कॉपर टेरिकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी, बोन रोड्स एंड एंशियंट साइन बोर्ड। अब देखो मतलब ना लिखना नॉर्मल है बिकॉज हड्डियों के ऊपर हम लिख रहे हैं, नॉर्मल जार के ऊपर लिख रहे हैं, टेराकोटा टेबलेट्स के ऊपर हम लिख रहे हैं, सो साइन बोर्ड्स के ऊपर भी लिख रहे हैं, तो शायद ऐसा है कि जो लिटरेसी वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड होगी। सो ये भी एक क्वेश्चन ही है कि शायद हो सकती है बिकॉज लिखा हुआ चीज़ें इतनी सादी है, सो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हाँ शायद कॉमन होगी बिकॉज लिटरेसी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जब लिखी जा रही है तो ऑफकोर्स लोगों को पढ़ना तो आता ही होगा, राइट। सब ना वेट्स की तरफ चलते हैं कि अब ना जब ट्रेड भी हो रहा है, ज्वेलरी भी है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी बन रही है, तो लोग ना तराजू तो रखते ही होंगे ना, तोलते तो होंगे चीज़ों को कि क्या किस तरह से चीज़ें हैं। सो एक ना प्रीसाइज सिस्टम था वेट का कि कैसे, तो वो ना एक डिफरेंट डिफरेंट स्टोन का यूज़ किया करते थे जिनको बोलते थे चोट्स,
जो कि जनरली क्यूबिकल होते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा सब्जी की दुकान में भी जाओ कभी तो तोल, अब तो कहाँ होती है सब्जी की दुकान में तोलने वाले, बट स्टिल जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब हाँ वो एक्सेप्शन है, छोड़ो परे। सो जैसे तराजू होता है ना, तराजू में जो वेट होता है वो कैसे ऑक्टेगनल शेप में होती है, राइट, ऐसे उसके 8 शेप्स होती हैं। जैसे आपने देखा होगा 1 kg, 500 ग्राम, ऐसे ऐसे वो होते हैं, राइट। सो वैसे ही सेम सिस्टम था, तो वहाँ पे भी उन्होंने ना बस जैसे हमारे ऑक्टेगनल होते हैं वो क्यूबिकल हुआ करते थे। सो उसका जो मतलब डिनोमिनेशन था वो पता नहीं वेट का एक में कितना हुआ करता था, क्या वो सिस्टम था, बट जो वो ना ऐसे 1, 2, 4, 8 से और ज़्यादातर जो वो 12,800 तक चला गया था हायर डिनोमिनेशन, ठीक है। सो जो स्मॉलर वेट था वो शायद ज्वेलरी और बीड्स के लिए यूज़ किया जाता होगा, और बड़े तो मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। सो ऐसे एक ना मेटल स्केल पेंस भी थे, मेटल स्केल पेन मतलब जो तराजू होता है ना जिसके दो ऐसे वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो एक साइड और दूसरा साइड, जहाँ पे एक साइड पे वेट और एक साइड में पर्टिकुलर चीज़ रखा जाता है, सो वो भी मतलब तराजू भी मिला, ठीक है। सो अब ये तो श्योर हो गया था कि हाँ वेटिंग का सिस्टम तो है वो चलता है। अब एंशेंट अथॉरिटी, अब देखो हर एक चीज़ इतनी यूनिफॉर्मिटी सी हो रही थी हर अपन सोसाइटी में, चाहे वो घर हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, या फिर ज्वेलरी वगैरह बनाने का सिस्टम हो। जैसे हमने घर देखा ना, हर एक घर में एक पर्टिकुलरली सिस्टम है। सो अब कोई ऐसा एक पर्सन तो होगा जो कि मतलब जो कि अथॉरिटी होगा, जो कि इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखता होगा, ठीक है। बट जो हरप्पन आर्टिफैक्ट्स है ना, उस पर ना हमें ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ मिली, या ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ का साइन मिला, या कोई ऐसे फेस वगैरह कुछ नहीं मिला। जम्मू से देखो ना, जम्मू से गुजरात तक जो चीज़ें ना वो सारी यूनिफॉर्म थी। सो जो लेबल लेबर है वो भी मोबिलाइज करते थे, ब्रिक्स वगैरह बनाते थे, सब कुछ इतना जब अच्छा होता था तो ऑर्गेनाइज कौन करता था ये सारी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। सो ऑफकोर्स जब हर चीज़ बहुत ही यूनिफॉर्मिटी हो रही है, बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से हो रही है, तो एक तो पर्सन होगा ना जो इस चीज़ों का ध्यान रख रहा होगा, एक स्ट्रिक्टनेस तो होगी ना। सो वो किसकी थी, वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो सो अगर आप सेंटर ऑफ पावर देखिए, सो डिफरेंट डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट में ना एक इमिडिएट आंसर तो हमारे पास है ही नहीं, देखो, बिकॉज एक ऐसी बड़ी सी बिल्डिंग हमें मिली मोहनजोदड़ो में जिसको हमने पैलेस बोला कि हाँ शायद ये पैलेस है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट उसके अंदर हमें कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिली जिससे हम एसोसिएट कर सके कि हाँ ये थोड़ा प्रीशियस है तो ये पैलेस होगा, ऐसा कुछ हमें नहीं मिला, ठीक है। बस एक हमें स्टैचू मिला जिसमें एक प्रीस्ट किंग जैसा हमें स्टैचू मिला, जैसे ये है, ठीक है। सो ये भी इंदस रीजन के पैरेलल में हमें मिला, ठीक है। सो जो रिचुअल प्रैक्टिसेस थी हरप्पन सिविलाइजेशन की, वो ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी हम लोगों को। सो काफ़ी आर्कियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस रखे कि ऐसा हो सकता है कि हरप्पन सोसाइटी का कोई रूलर ही ना हो, सभी की मतलब इक्वल स्टेटस हो, बट फिर सभी को लगा कि यार सभी की इक्वल स्टेटस हो तो इतना जो है वो चीज़ें इतने डिसिप्लिन में हो ही नहीं सकती है ना। किसी को लगा कि कोई एक रूलर नहीं होगा बट सेवरल रूलर होंगे, बट अगर सेवरल रूलर होते तो काफ़ी लोगों ने ये एक्सेप्शन लगा ला कि तो हर एक अपना ये तो बोलता ना कि हाँ इसको इनमें मेरा नाम होता, उसको इनमें मेरा नाम होता, ऐसा भी कुछ हमें देखने को नहीं मिला। फिर ये भी बोला कि हरप्पा का अनदर, मोहनजोदड़ो का अनदर, जैसे यहाँ पे सिस्टम है जैसे कि स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन अलग, बट वो भी ऐसा बोला गया कि वो भी लोगों को समझ नहीं आया, कि काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला कि सिंगल स्टेट होता होगा, जैसे इंडिया है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, राइट। सो जो प्राइम मिनिस्टर करवाएंगे वही पूरी कंट्री पे होगा, सो वही सिस्टम यहाँ पे बोला। बट काफ़ियों को लगा कि तब तो सारे आर्टिफिकेट में भी जो आर्टिफैक्ट्स है उसमें भी कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए, एक प्लांट सेटलमेंट होना चाहिए, राइट, बट वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं नहीं थी। फिर तो एक अल्टीमेट हमारे पास आंसर नहीं है कि कोई राजा था कि नहीं था, कि इतनी कम्प्लेक्स डिसीजन आखिर लेता कौन था, अगर लेता था फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन कौन देखता था, ये सब कुछ हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अपना सिविलाइजेशन एंड कैसे होती है, देखो 1800 BC आते आते जो मैच्योर हरप्पन था ना, वो उसके एविडेंस हमें मिले, बट 1900 आते आते जो पॉपुलेशन है ना वो ना हमें शिफ्ट दिखा कि जो पॉपुलेशन है ना वो शिफ्ट हो रही है गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ, ठीक है। जो भी मतलब जो भी कल्चर था उसमें काफ़ी सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिले, एक मतलब मिनिमलिस्टिक से सभी में ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले, ठीक है। जो वेट्स सील स्पेशल बीट्स थे अब वो उससे ज़्यादा मिलने बंद हो गए, और ऐसे लगने लगा कि ये सारी चीज़ें ना डिसअपेयर हो रही है,
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट का कुछ ऐसे जो भी आर्टिफैक्ट्स थे उनका भी कुछ ऐसे मतलब स्पेशलाइजेशन का कुछ सब कुछ जो है वो डिसअपेयर होने लगा। जो हाउस के मतलब जैसे घर अभी तक बंद करके आते थे ना वो टेक्निक फेल होने लग गई। जो अब ये जो टाइम था जब जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो सेटलमेंट है अब ये सारी जब चेंज हो रही थी इस टाइम को द लेट हरप्पन और सक्सेसर कल्चर बोला गया। ठीक है सो अब जब लोगों जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये चीज़ डिस्कस करी तब भी सभी ने आप अपनी जो है वो अजम्पशंस लगानी शुरू करी कि शायद ऐसा होगा शायद ऐसा हो गया होगा। जैसे काफ़ी उन्हें बोला कि एक वाइल्ड रेंज आएगी क्लाइमेट चेंज हो गया होगा लोगों को क्लाइमेट नहीं सूट किया इसकी वजह से लोग शिफ्ट कर गए और चीज़ें जो है वो ख़त्म होगी। फिर डिफॉरेस्टेशन हो सकता है फिर बोला एक्सेसिव फ्लड हो सकता है एक्सेसिव फ्लड आ सकता है बिकॉज इंडस्ट्रियल जो इंडस रिवर है उसी के बगल में तो सब कुछ था। फिर काफ़ी लोगों ने ऐसे बोला कि हो सकता है कि रिवर सूख गई हो काफ़ी ने बोला कि जो लैंडस्केप है उनका ज़्यादा यूज़ इन लोगों ने कर दिया हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बोला। बट किसी से भी ना एक आइडिया हमारे पास नहीं था कि कैसे जो है पूरा सिविलाइजेशन जो है वो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन अचानक से ख़त्म हो गई। ठीक है सीएल्स डिसअपेयर हो गए जो स्क्रिप्ट्स थे वो मतलब बीड्स और पॉटरी सब कुछ ख़त्म हो गया। जो स्टैंडर्डाइज्ड वेज सिस्टम था लोकल वेड्स का वो कुछ नहीं मिलने लगा। सो अब एक लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लगी कि डिफरेंट मतलब एक अचानक से इतना बड़ा रीजन ख़त्म कैसे हो सकता है। ठीक है सो अब यहाँ पे ना हमारा लगभग हमने जो है काफ़ी चैप्टर ख़त्म कर लिया है। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया पूरा हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में। अब ना हम कुछ कि हरप्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर कैसे हुआ था हम बिल्कुल शुरू में चले गए। ठीक है कैसे हरप्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ। ठीक है सो एक स्टोरी है कि बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग स्टोरी है वैसे कि कैसे कैसे हिस्ट्री की बट स्टिल एक स्टोरी है जो कि हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करा हरप्पन सिविलाइजेशन को। सो सबसे पहले आते हैं कनिंघम के कन्फ्यूजन। कनिंघम कौन है और इनके कन्फ्यूजन क्या है। देखो जो ASI है उनके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम। ठीक है जो कि एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन थे। ठीक है उन्होंने शुरू करी कब मिड 19th century में उन्होंने शुरू करी। तो जो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे इन्होंने प्रेफर करा कि अगर हमें रिटर्न वर्ड मिल जाए कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन या टेक्स्ट मिल जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इनफैक्ट जो कनिंघम थे ना उनका मेन इंटरेस्ट यही था कि जो अर्ली हिस्टोरिक जो मतलब अर्ली हिस्टोरिक पीरियड है और जो लेट पीरियड है उन्हीं के बारे में वो ज़्यादा पता कर ले और उन्हीं के बारे में जो उनका वहाँ पे कंसर्न भी उनका हुआ करता था। ठीक है वो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम के अकाउंट्स यूज़ किया करते थे। उनको ऐसा लगता था कि अगर ट्रेड यहाँ पे हुआ है सो ऑफकोर्स चाइना के साथ और जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स है क्योंकि पिलग्रिम्स तो घूमते रहते थे सो कहीं ना कहीं उनके बारे में तो कहीं ना कहीं कुछ बताया होगा। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन थी तो कहीं भी इन सब चीज़ों को जो है वो डिस्कस नहीं किया गया था कहीं भी इन चीज़ों में। ठीक है सो उन्होंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करे उन्होंने काफ़ी इंस्क्रिप्शन को भी ट्रांसलेट करा उनके सर्वे के अकॉर्डिंग बट उनको ना कहीं भी कुछ ऐसा पता नहीं चला। हरप्पा की जो साइट है वो किसी भी चाइनीज पिलग्रिम या किसी भी हिस्टोरिक सिटी की पार्ट नहीं रही तो उनकी उनकी जो फ्रेमवर्क था इन्वेस्टिगेशन का वो उसमें अच्छे से फिट नहीं हो रहा था। ठीक है सो वो करते क्या थे जो भी चीज़ उनको मतलब नहीं होता था तो वो बीच में छोड़ देते थे कनिंघम। सो फिर से एक इंग्लिश मैन जो है हरप्पन सील लेकर आते हैं कनिंघम के पास बट जो कनिंघम है वो उनको ना एक टाइम फ्रेम के अंदर उसको फिट करने की कोशिश करते हैं बट वो मतलब नहीं कर पाते हैं। ठीक है सो बिकॉज वो जो टाइम फ्रेम जिससे कनिंघम अभी तक फेमिलियर थे वो इसके बाद का ही था बिकॉज जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। ठीक है सो देखो जो सबसे पहले उनको सील मिली थी ना वो कुछ इस तरीके से दिखती थी जहाँ पे एक जानवर कुछ मछली जैसे आकार एक जे तो जे लग रहा है 11 लग रहा है ऐसे अजीब अलग अलग से तारा तूरा कुछ कुछ ऐसे बना हुआ था। ठीक है सो बाद में उन्होंने जब ना स्पेसिफिक फंक्शन है ना वो मतलब बेसिकली उनको हरप्पा का सिग्निफिकेंस नहीं पता चला। फिर कैसे हमें पता चला आते हैं द न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। देखो द न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन मतलब ये सिविलाइजेशन तो बहुत पुरानी है बट ये हमारे लिए न्यू राइट है द न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। देखो जो सील्स बाद में डिस्कवर किए गए एक आर्कियोलॉजिस्ट ने जिनका नाम था दयाराम सानी तो अर्ली मतलब 20th century के अर्ली डिकेट्स में वो आए। ठीक है सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मतलब काफ़ी इस हिस्टोरिक लेवल को उन्होंने डिस्कस करा। ठीक है बाद में उनको ये चीज़ रियलाइज हुई कि
ये जो चीज है ना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है, मतलब टाइम नहीं है, वो उसको ही फिट नहीं कर पा रहे थे। बाद में एक और आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम है रखल दास बनर्जी, जिन्होंने भी मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसी ही सील्स उनको भी मिली, ठीक है। अब इन्हीं फाइंड्स के अकॉर्डिंग 1924 में जॉन मार्शल, जो कि ASI के फिर से डायरेक्टर जनरल होते हैं, ठीक है, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करी, ठीक है। मार्शल ने मार्शल की वजह से हमें पता चला। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। मतलब देखो यहाँ पे मार्शल जो एक्सकवेशन करते थे ना मेसोपोटामियन साइड के या फिर किसी भी साइड के, एक ना पर्टिकुलर सिस्टम होता है देखो कि कितनी कि कितने गहरी जगह से आपको चीज़ मिलती है वो उतनी पुरानी होती है। बट जो मार्शल थे उन्होंने ना ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। मतलब ये ना कहीं मतलब जो जॉन मार्शल थे वो डायरेक्टर जनरल थे ASI के, और वो ना एक मेजर चेंज लेकर आए इंडियन आर्कियोलॉजी में, बिकॉज उनका जो पहला प्रोफेशन था वो था, मतलब वो आर्कियोलॉजिस्ट में एक ऐसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि इंडिया में आके वर्क कर रहे थे। उनका एक्सपीरियंस ग्रीस और क्रेट की फील्ड में भी था, तो वो मतलब थोड़ा ऐसे थे, मतलब प्रोफेशनल थे, ठीक है। जो मार्शल है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में जो है एक्सकवेशन करा, बट उन्होंने ना स्ट्रेटिग्राफी को इग्नोर करा। अब मैं यही बता रही थी आपको कि जितनी भी पुरानी जितनी भी गहरी जगह से एक लैंड चीज़ निकलेगी वो उतना ही पुरानी होगी, राइट, और जितनी ऊपर ऊपर से मिलेगा वो उतना नया नया होगा। ये चीज़ को ना मार्शल ने ध्यान नहीं दिया। सो इतनी सारी चीज़ें जो हमें मिली मार्शल के पास, सो हमारे पास ना टाइम स्पेन नहीं है कि वो चीज़ कितनी पुरानी है। अगर उस टाइम पे जो मार्शल थे वो उस पर्टिकुलर चीज़ का टाइम नोट करते रहते तो हमारे पास एक पर्टिकुलर एक हम बोलते हैं वो होता एक मतलब नॉलेज होती कि हाँ ये चीज़ इतनी पुरानी, ये चीज़ इतनी पुरानी है, ठीक है। सो बाद में अब क्या कर सकते, तो फिर नई टेक्नोलॉजी आई और नए क्वेश्चन भी आए। जो व्हीलर थे REM व्हीलर, उन्होंने बोला कि यार ये कर दिया तुमने, चलो कोई बात नहीं, अब आने वाले टाइम पे हम स्टैटिग्राफी को ही फॉलो करेंगे। जो कि एक XRV ब्रिगेडियर भी थे, सो वो काफ़ी मतलब मिलिट्री प्रिसिशन के साथ थे, सो वो आर्कियोलॉजी का प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। सो उन्होंने जो भी चीज़ की वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में करी। सो उन्होंने फिर बाद में, अब देखो बाद में जब पार्टीशन हो गया सो पाकिस्तान में वो सारी चीज़ें चली गई, सो अब हम डिस्कस नहीं कर सकते। बट जो चीज़ें हमारे अंडर आती थी जैसे कच्छ, फिर हरप्पन सेटलमेंट जो कि पंजाब में था, फिर कालीबंगन, लोथल, राखी घरी, धोलावीरा, इन सारी जगहों पे अभी भी हमने जो है वो हम कर रहे हैं चीज़ें डिस्कस, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पता चली, ठीक है। अब प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, देखो जो हरप्पन स्क्रिप्ट है ना वो बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन है, सबसे ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन है। सो जो मटीरियल्स है ना जैसे पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें तो हमारे पास है। बट जो ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम के साथ डिके हो गई, जैसे लकड़ी, लेदर, क्लोथ, ये सारी चीज़ें तो टाइम के साथ जो है वो चली गई, राइट। जो स्टोन्स है और जो बर्नड क्ले है वो सारी तो बच गई मेटल, बट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चली गई। अगर वो चीज़ें बचती तो हमें और ज़्यादा चीज़ें जो है वो पता चला होता, ठीक है। अब फाइंड्स को क्लासीफाई कैसे करा, सो अब ना जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ना जो चीज़ें हमें मिली उनको मतलब वो करना शुरू करा, जैसे कि एक तो उस चीज़ का पर्टिकुलर मटेरियल क्या है, ठीक है, और एक उस चीज़ का फंक्शन क्या है, एक क्या उसका कोई रिचुअल यूज़ तो नहीं है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन्होंने उसको डिवाइड करा, ठीक है। जो एक ऑर्नामेंट था वो कभी कभी रिचुअल यूज़ के लिए भी यूज़ मतलब देखा हमें गया, बट काफ़ी ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है, हमें कॉटन के ट्रेसेस मिले, बट कॉटन इतने साल तक तो नहीं बचा, ठीक है। बट कहीं जाके कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स थे, कुछ ऐसे क्लोथिंग थे जहाँ पे हमें कुछ ऐसे लगा कि हाँ ये चीज़ शायद कॉटन हो सकती है। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने फिर और रेफरेंस बनाए इस फ्रेम्स के, फिर उन्होंने पहली हरप्पन सील के बारे में जब उन्हें मिला तो वो ऑफकोर्स अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, क्योंकि वो लैंग्वेजेस हमें नहीं आती है। सो हमने मेसोपोटामिया से भी जब कंपैरिजन करा तो हमें पता चला कि नहीं रे, नहीं हमें नहीं पता चला, बिकॉज मेसोपोटामिया एक ईजी लैंग्वेज थी, मेसोपोटामियन में को अच्छे से हम लोगों ने डिफाइन कर दिया था, बट हरप्पन सिविलाइजेशन को नहीं कर पाए हम, ठीक है। अब ना शायद कुछ ऐसी मतलब रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है जो शायद यहाँ पे थे, जैसे एक टेराकोटा फिगर थी वुमेन की जो कि बहुत ही हैवीली ज्वेल्ड थी, और कुछ हेड उन्होंने सर पे कुछ बड़ा सा पहना हुआ था जिनको मदर गॉडेस बोला जाता है, ये जो बगल में फोटो है हमारे पास, ठीक है। सो ये वाली, सो
और एक और ऐसे पोस्टर है जो कि बैठे हुए हैं, नीज में उन्होंने हाथ रखे हैं, जैसे वो होता है ना, जैसे हम वो करते हैं तपस्या वाली जो पोजीशन होती है, वैसे प्रीस्ट किंग उनको बोला गया। फिर ग्रेट बाथ और जो फायर एल्डर्स थे उससे भी हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली। कुछ ऐसे जानवर थे जैसे वन हॉर्न एनिमल जिसको यूनिकॉर्न आज हम बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें थी। और एक ना ऐसी हमारे पास एक योगिक पोस्चर था जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा टूट गया है, जिन्होंने अपनी नीज पे हाथ रखा हुआ है, जिनके आस पास जो है जानवर है, इनको प्रोटो शिवा का हमने डिपिक्शन दिया और उसको बोला कि ऋग्वेद से इसको कंपेयर करा जाए। बट जब हमने इसको ऋग्वेद से कंपेयर करा तब हमें मिला कि नहीं, मतलब जो एक एक गॉड है जिनका नाम रुद्र दिया गया है, जो कि शिव है बेसिकली, उनसे जब हम उनको कंपेयर करा बट हमें लगा कि शायद शायद ये हो सकते हैं बट नहीं, मतलब काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स जो है वो थे हमारे साथ। ठीक है, सो इसी के साथ जो है हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। सो देखा आपने, चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और इसके पीछे का एक रीज़न ये है कि हम अपनी ही कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। सो यहाँ से हमारी कंट्री का शुरुआत था, बिकॉज दिस वॉज द वेरी फर्स्ट सिविलाइजेशन नॉट ओनली ऑफ द इंडिया बट द होल वर्ल्ड। सो येस, दैट वॉज इट फॉर द चैप्टर एंड द वीडियो एज वेल। आई होप यू लाइक डिट, एंड येस, थैंक यू वेरी मच।